हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन भी। आईएएस और एक्टर अभिषेक सिंह को ईद पर टोपी लगाना महंगा पड़ गया। इतना महंगा पड़ गया कि अभिषेक को अपने इंस्टाग्राम के 1,00,000 फॉलोअर्स खोने पड़े। जी हाँ, ये सच है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दरअसल मुस्लिमों के त्यौहार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद पर अभिषेक सिंह ने टोपी लगाकर एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, साथ ही बकरा ईद के बारे में एक ब्यूटीफुल मैसेज भी अपने फैंस को दिया। बस फिर क्या था, हो गई अभिषेक की ट्रोलिंग शुरू। ट्रोल करते हुए अभिषेक से कहा गया कि वो उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं और देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर 1,00,000 फॉलोअर्स अभिषेक सिंह ने खो दिए। इस बात की जानकारी खुद अभिषेक ने दी। अभिषेक ने कहा कि इस पोस्ट के लिए 1,00,000 लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया। लोगों ने अभिषेक से कहा कि अगर आप 24 घंटे के अंदर ये पोस्ट डिलीट नहीं करते हैं तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे। कुछ लोगों ने अभिषेक से पूछा कि क्या आपने किसी मुस्लिम एक्टर को दीपावली मनाते हुए देखा है, अगर हाँ तो स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। अभिषेक सिंह ने तो स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किए, लेकिन हम आपको बताते हैं। जिनको ये जानना है कि क्या कभी किसी मुस्लिम एक्टर ने किसी भी हिंदू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है, तो उन्हें सलमान खान और शाहरुख खान को जरूर देखना चाहिए। हर साल सलमान खान गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ना सिर्फ सलमान खान बल्कि उनकी पूरी फैमिली। अगर आप सभी को याद हो वो वीडियो जिसमें शाहरुख खान ने अपना पूजा घर दिखाया था, जिसमें मूर्ति गीता के साथ साथ कुरान शरीफ भी रखा गया था, इससे पता चलता है कि वो दोनों ही धर्मों को कितनी इज्जत देते हैं। हर धर्म में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, किसी एक इंसान को टारगेट करना सही बात नहीं है। अभिषेक सिंह को इस तरह से टारगेट किए जाने और उनके 1,00,000 फॉलोअर्स के कम हो जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।